आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। धनबाद के कोयला कारोबारी एलवी सिंह ने हाल के दिनों में अपनी सामाजिक गतिविधियों को बढ़ा दिया है। वे प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जिससे शहर का राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ उनके अनुभवी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। गुरुवार को एलवी सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता नदीम खान और लड्डन गद्दी के नेतृत्व में नया बाजार का दौरा किया, जहां नौजवान कमेटी और नया बाजार के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी दौरान कई अन्य लोग भी एलवी सिंह से मिलने पहुंचे। अपने संबोधन में एलवी सिंह ने कहा कि यदि आपको हमारी ज़रूरत आधी रात में भी पड़ती है तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद के युवाओं में बहुत ऊर्जा है, जिसे सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में इन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं इस मौके पर परवेज खान ने मंच का संचालन किया। अप्पू खान, जावेद रैन, समीम अख्तर, फयाज खान, अहमद खान, अनिल जसवाल, मंजीत विक्रम आदि लोग उपस्थित थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए एलवी सिंह ने क्या कहा, सुनिए हमारे चैनल के माध्यम से। आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब। मैं अभी मौजूद हूं धनबाद के नया बाजार में, जहां पे युवाओं की इतनी बड़ी संख्या में फौज आई है। माता बहने यहां पे मौजूद है। सिर्फ एक युवा को देखने के लिए, उनको दीदार करने के लिए हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे रूबरू होऊंगा, उनसे बात करूंगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नया बिहार की धरती पे जैसा स्वागत किया गया, क्या लगता है ये चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो अभी नहीं बोलेंगे, हम जनता का सेवा करने के लिए आए हैं जी। और नया बाजार में आने से ये महसूस हुआ कि यहाँ के युवा माता बहन हमारे घर के मेंबर हैं जी, और हमारे गांव का याद दिला दिए लोग जी। इतना जरूर बोलेंगे कि समय आएगा तो यहाँ के युवाओं के लिए जितना बन पाएगा उतना हम जरूर करेंगे। जैसा आपके स्वागत में काफी देर से लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो काम धाम छोड़ के यहाँ आपके इंतजार में बैठे थे? इतना यहाँ के लोगों का प्रेम है मेरे लिए जी। इसलिए वो लोग मेरे लिए काम धाम छोड़कर बैठे हुए हैं जी। तो ये तो प्रेम है, इसको कुछ नाम नहीं दिया जा सकता। क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा नहीं बोल सकते हैं, हम तो जनता का सेवा करने के लिए हैं। लेकिन अगर चुनावी मुद्दा होगा तो जरूर आप लोगों को खबर किया जाएगा। अभी कुछ समय में चुनाव है धनबाद में विधानसभा का, तो क्या लगता है ऐसे यहाँ पे लोगों के मन पे बात हो गई है, हमारा विधायक आपके नाम पे चिल्लाया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है, तो क्या लगता है? जनता का अगर इच्छा होगा, प्रेम होगा, तो जरूर लड़ेंगे चुनाव।